देख रहे हैं ब्लॉगर्स टेक लाइफ। आज मैं जिस वीडियो की बात करने जा रहा हूँ वो है रिलेटेड टू एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनने जा रही है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने में मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकर। नाम है ट्रैक चेंजर। अब ट्रैक चेंजर क्या है कि जैसे ये शीट है एक्सेल शीट, अब शीट के अंदर आप देख रहे हैं आइटम कोड है, आइटम डिस्क्रिप्शन, आइटम नेम, आई मीन यूनिट्स। अब मैं कुछ भी चेंजेस करता हूँ उसके अंदर तो मुझे कमेंट डालना पड़ेगा इसमें। सी पे अगर मैं डी करता हूँ तो मुझे डालना पड़ेगा कि पहले यहाँ पे सी था और डी, अब डी कर रहा हूँ। तो इसके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट और एक बहुत सिंपल सा मार्कर है जिससे हम नोटिफिकेशन डालते हैं, इसमें नोट डाल देते हैं। तो इसमें क्या है कि मैंने इसे यहाँ पर ये डेटा जो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है इसमें मैं डालूँगा। टूल्स के अंदर जाऊँगा, यहाँ पर देख रहे हैं टूल्स के अंदर एक है ट्रैक चेंजेस, इसको मैं हाईलाइट चेंजेस करूँगा। हाईलाइट चेंज करने के बाद ऊपर एक शिकार है ट्रैक चेंज इज़ वाइल एडिटिंग, ट्रैक चेंजेस वाइल एडिटिंग, यानी कि एडिटिंग के दौरान पे अगर कोई भी एडिटिंग होगी तो वो चेंज करेगा। ये मैंने अप्लाई कर दिया है ऑल, व्हेन ऑल और एवरीवन। और देख रहे हैं यहाँ पर ज़रूर क्या बोलते हैं होना चाहिए, हाईलाइट चेंजेस ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे भी चेंजेस बहुत ज़रूरी है, शो करना चाहिए ना। तो मैंने ऐसे ओके कर दिया। ओके करने के बाद ओके, अब यहाँ पर मैं कुछ भी चेंज करता हूँ। सपोज़ करिए मैंने सी की जगह जूम कर लेता हूँ, अब सी की जगह मैं यहाँ पे ए डालता हूँ दोबारा से, तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आ गया है। नोट आप ऑलरेडी देख रहे होंगे कि सेल चेंजेस फ्रॉम सी टू ए, यानी पहले सी था उसके बाद ए हो गया है। अब यहाँ टॉप से लेके यहाँ पे टॉप लिखा हुआ है, अब टॉप पे मैं शर्ट देख देता हूँ, SHIRT शर्ट, तो यहाँ पर भी नोटिफिकेशन चला गया, एक नोट ऑटोमेटिकली हो गया है कि चेंज्ड एट बी सेल B9 फॉर टॉप टू शर्ट। यहाँ पे सपोज़ करिए क्या बोलते हैं, जो मैंने जीन्स के आगे जो 25 यूनिट है मैं इसको लिख देता हूँ कि नहीं भाई 25 नहीं, यहाँ पर रिकाउंट के बाद 20 यूनिट्स हैं। तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन नोट ऑटोमेटिकली असाइन हो गया कि इस सेल के अंदर 25 था अब 20 हो चुका है। तो इसे हम ट्रैक कर सकते हैं कि कोई चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है, किस समय कौन कौन से चेंजेस करे गए हैं, किसके लिए करेंगे, ताकि हम दोबारा अगर वो फिगर हमें दोबारा करेक्ट मिलती है तो उसे हम दोबारा ठीक कर सकें। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, इसका नाम है हाइट सेल। अभी हाइट सेल क्या है मैं बताया, तो आपको मैं शीट पे गया, मैंने यहाँ पर एक डाला, हेडिंग बनाई ए बी एंड सी, मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पर, यहाँ पे जूम पे देख रहे हैं एक्सेल शीट पे मैंने ए बी सी डाला है। अब यहाँ पर मैं डालता हूँ कोई ये वैल्यू, सपोज करिए 20 वैल्यू डाली मैंने यहाँ पर, यहाँ पे डाली मैंने 5 वैल्यू, और सी के आगे रिजल्ट डालता हूँ मैं 25 × 5, यानी कि बी इंटू ए इंटू बी, 100 आ रहा है। अब मुझे ये 5 के ना सेल को शो नहीं करना किसी को, तो ये राइट क्लिक करा मैंने सीधे, यहाँ से गया मैं फॉर्मेट सेल पे, फॉर्मेट सेल पे जाते के साथ ही मैंने कस्टम के अंदर गया, कस्टम में गया, कस्टम में देखा यहाँ पे जनरल के अंदर 0 आ रहा है, मैं 0 पे क्लिक करा, मैंने सेमी कॉलन 3 बार प्रेस किया, सॉरी 1 2 3, और इसको मैंने कर दिया ओके। अब ये हो गया यहाँ पर हाइट, यानी कि वैल्यू यहाँ पर आपको शो करेगी। जब मैं यहाँ पर कर्सर रखूँगा अपना तो मेरा वैल्यू यहाँ पर शो कर रहा है कि क्या है, लेकिन जब मैं यहाँ पर विजुअल करूँगा सेल को तो मेरा ये शो नहीं होगा। मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू चेंज करूँ, अब मैं यहाँ पर 100 डाल देता हूँ तो यहाँ पर चेंज होगा ऑटोमेटिकली, आपका रिजल्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मैं 300 डाल देता हूँ तो भी ये सेल होगा। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, मैंने सपोज कर यहाँ पे 15 डाल दिया है और मैं एंटर करता हूँ तो ये यहाँ से विजिबल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे चेंजेस आपका यहाँ पे दिखेगा, आपका चेंजेस आपका यहाँ पे दिखेगा। तो ये है हाइट सेल, इसको मैं हाइट सेल कहता हूँ। ये एक फार्मूला है बहुत सिंपल सा, सिंपली आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक कर जाके फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट सेल में कस्टम के अंदर सिंपली आपको यहाँ पे आके राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट सेल में आके कस्टम, कस्टम में आकर यहाँ पर 0 सेलेक्ट करना है और 1 2 3 सेमीकोलन डालना है, सेमीकोलन डालना है उसके बाद ओके करना है, हाइड हो गया। अब हम बात करते हैं हाउ टू रिमूव ब्लैंक सेल, हाउ टू रिमूव ब्लैंक सेल, तो कैसे करते हैं चलो देखते हैं। से हम
मैंने सपोज़ करिए कोई डेटा शीट ले लेता हूँ, यही ले ली मैंने। चलो यहाँ पर मैं क्या बोलते कुछ क्रिएट कर लेता हूँ, ब्लैंक सेल कैसे करते हैं। यहाँ पे डाल दी कुछ डेटा मेरा यहाँ पे पड़ा है, इसको मैंने ऐसे कर दिया, कुछ मेरा यहाँ पर पड़ा है, इसको मैंने क्रिएट कर दिया। सिंपली क्या करना है मुझे, इसे सेलेक्ट करना है, ए बी और सी कॉलम को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते ही कंट्रोल जी मारना है, कंट्रोल जी मारा, कंट्रोल जी मारते के साथ ही ये स्पेशल, कंट्रोल जी के बाद स्पेशल, स्पेशल पे क्लिक करते ही सिलेक्ट करना है मुझे ब्लैंक। ओके, आपने देख रहे होंगे ब्लैंक एरिया इसके बीच में जितना भी था वो सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद कंट्रोल माइनस, कंट्रोल के साथ माइनस, कंट्रोल दबा के माइनस दबाना है, शिफ्ट सेल अप। ओके, ऑटोमेटिकली सेटल हो गया सारा। तो ये दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, बेल बटन जरूर दबाइएगा और कमेंट्स डालना ना भूलिएगा, कि कमेंट्स डालेंगे तभी मैं अपनी वीडियो को इम्प्रूव कर पाऊंगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही है, चल धन्यवाद।